हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज अपन बनाने जा रहे हैं तिल पपड़ी। कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई के अंदर एक कटोरी तिल्ली डाल देंगे। तिल्ली को लो फ्लेम पे 5 से 6 मिनट तक सेक लेंगे। 5 से 6 मिनट तक सेकने के बाद आप देख सकते हैं तिल्ली हल्की हल्की ब्राउन हो चुकी है। गैस बंद कर देंगे और एक कटोरी में खाली कर लेंगे। कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई के अंदर 1 चम्मच घी डाल देंगे। घी डाल लेंगे, जितने अपन ने तिली लिए उतना ही अपने को शक्कर लेना है। शक्कर डाल देंगे, शक्कर डाल लेंगे, सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लो फ्लेम पे चाशनी बनने देंगे। और आप देख सकते हो चाशनी हल्की हल्की बनना स्टार्ट हो चुकी है। सबको अच्छे से मिक्स करते रहेंगे और आप देख सकते हैं हमारी शक्कर अच्छी तरीके से मेल्ट हो चुकी है और हमारी पूरी चाशनी अच्छे से बन चुकी है। चाशनी को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे, गैस बंद कर देंगे, तिल्ली डाल देंगे सेकी वाली और सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद फर्सी पे 1 चम्मच घी डाल देंगे। घी डालने के बाद ब्रश की मदद से सब जगह घी अच्छे से फैला देंगे। घी फैलाने के बाद बेलन के ऊपर भी घी लगा लेंगे, अच्छे से गोल गोल करके बेलन को। बेलन पे घी लगाने के बाद बेलन को नीचे रख देंगे। तिल्ली का जो तैयार करा वाला बैटर है वो फर्सी पे डाल देंगे। तिल्ली का बैटर डालने के बाद गोल गोल शेप में बेलन की मदद से बेल लेंगे। आराम से बेलते रहना है अपने को, एकदम पतली पतली बेलना है तिल्ली पपड़े को। और आप देख सकते हैं तिल्ली की पपड़ी को अच्छे से बेल चुके हैं। बेलन हटा लेंगे, चक्कू की मदद से आराम से तिल्ली की पपड़ी को निकाल लेंगे। और आप देख सकते हैं तिल्ली की पपड़ी बन चुकी है अच्छी तरीके से। अब छोटे छोटे पीसों में हाथ से तोड़ लेंगे पपड़ी को। आराम से तोड़ना है। और आप देख सकते हैं हमने छोटे छोटे पीसों में तोड़ लिया है। अब इसे एक प्लेट में खाली कर लेंगे और आप देख सकते हैं हमारी तिल्ली की पपड़ी बनके तैयार हो चुकी है। खाने में एकदम टेस्टी बनी है।